स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अजय आलोक वर्सेस कंचना यादव, अजय आलोक ठग लाइफ डिबेट वीडियो। चलिए स्पीड से वीडियो स्टार्ट करते हैं डिबेट का। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर चेक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर के लिए किया कि राम मंदिर बेकार है? नहीं, उन्होंने राम मंदिर के लिए सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के नक्शे पे सवाल उठाया। देखिए, मंदिर को बेकार नहीं बोला हमने, नक्शे को बेकार बोला हमने। नहीं बोला, सोचिए, हमने सूर्य को बेकार नहीं बोला, हमने सूर्य की रोशनी को बेकार बोला। ये कहेंगे मंदिर बेकार है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वर्ग खुश हो। इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे कहां है, गायब हो जाएंगे। जी, पूछना चाहती हूँ बीजेपी से बहन, जिसे भी आपने जो ये दुपट्टा पहना है जिसपे कमल का फूल है उसपे कितना बड़ा दाग है आपको मालूम है? ये जो मैंने गले में पहन रखा है ना, इसी ने मेरी लाज बचाई है। ना आप बोली, ना ये बोले, ना कांग्रेस पार्टी बोली, तब मुझे उस कमरे में बंद किया गया। बताइए, खुदा ना खास्ता अगर आपकी पार्टी में आपके साथ ऐसा होता, क्या आप उस पार्टी में रह पाती? भाई खुदा ना खास्ता, जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में जो मोदी जी बार बार कह रहे थे कि अगर विपक्ष जीत के आ जाए तो ये मुस्लिमों को आरक्षण दे देगी, लेकिन यही लोग विपक्ष के प्रवक्ता जब डिबेटों में आते हैं तो ये बोलते हैं कि मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद में अब लालू यादव का खुल के बयान आ गया है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। और वहीं पर सपा के नेता ने भी ये बोला है कि राम मंदिर तो बिल्कुल बेकार बना हुआ है। इसी मुद्दे पर फिर डिबेट हो रही थी। डिबेट के दौरान अजय आलोक और राधिका खेड़ा ने मिलकर राजकुमार भाटी और कंचना यादव को आज बड़ी अच्छी तरीके से धोया है। तो आज की ये वीडियो बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाली है, तो आप ये प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन लालू यादव जी ने जो बयान दिया, मुस्लिमों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, इसके मायने क्या है 10 सेकंड में हमारे दर्शकों के लिए, यहाँ जो बैठे हैं उनको भी समझा दीजिए। समझा देते जी। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ओबीसी हूँ, मैंने पहले भी समझाया आपके दर्शकों को, मुझे आरक्षण मिलता है इसलिए। नहीं, नहीं, सुनिए, मैं बता रही हूँ मुस्लिम आरक्षण क्यों, मुस्लिम की बात कर रही हूँ, मुझे आरक्षण हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ इस आधार पर नहीं मिला है। मैं सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड हूँ इसलिए मिला है। और यही बात मंडल कमीशन कहता है कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे लालू जी ने क्यों बोला अगर आप बैकवर्ड हो तो लालू जी ने क्यों बोला मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए? लालू जी ने बोला कि जो बैकवर्ड है मंडल कमीशन कहता है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये वो कह रहे हैं, लालू जी तो ऐसा बोला नहीं, लेकिन ये बाइट कहां से आ गई? ऐसा है कि लालू जी ने क्या बोला ये आप लोग सबने सुना, पूरे देश ने सुना। और ये बोला एक बात नहीं है, ये पिछले 7 दिन से चल रहा है, और ये संयोग नहीं है, बिल्कुल सोचा हुआ प्रयोग है। एक आदमी बोलता है फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एटम बम है, स्टेट है। एक कहता है मुस्लिम आरक्षण देंगे, राहुल गांधी कहते हैं कि सुपर कमीशन बना के साहबानों केस की तरफ ये पलट देंगे। इस देश को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? टीडीपी के साथ इस देश को समझा क्या हुआ है? इस देश को बीच में नहीं बोले, इस देश को इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रयोगशाला बना दिया है। हम क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को तो आरक्षण मिल ही रहा है मंडल कमीशन पैरा 12 के तहत, जो भी पिछड़ी जातियां हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे कहां है, गायब हो जाएंगे। जी जी, क्या बात है? राजकुमार भाटी, अभी तक यह था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, अभी तक ये था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए हम जाएंगे तो कभी बाद में जाएंगे, राम हमारे दिल में रहते हैं, कल अभी तक तो ये था। लेकिन अब तो ये है कि ये राम मंदिर बेकार है, ये राम मंदिर बेकार है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, और मैं नहीं, ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है, किसी और धार्मिक स्थल के लिए बेकार? राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है और हमें सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए, और समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग की आस्था का सम्मान करती है और किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोलती है। अच्छा, अभी आपने बोला राजकुमार जी, आपने भाटी जी, आपने बोला, देखिए मंदिर को बेकार नहीं बोला हमने, नक्शे को बेकार बोला हमने, सोचिए हमने सूर्य को बेकार नहीं बोला, हमने सूर्य की रोशनी को बेकार बोला, हमने फल को बेकार नहीं बोला, हमने फल के रस को बेकार बोला, हमने सुनना पड़ेगा हमने हिंदू को खराब नहीं बोला, हमने हिंदुत्व को खराब बोला। अरे मतलब कमर, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व खराब है, समाजवादी पार्टी कहती है कि राम मंदिर खराब है, अब आप बताइए क्या सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग है, क्या फल और फल का रस अलग है? अगर आपने हिंदुत्व को और सूरज की रोशनी को खराब बोला है तो गलत बोला है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। ना सूरज की रोशनी खराब है, ना हिंदुत्व खराब है। इनका वही हाल हो गया है, बिहार में एक कहावत है कि हम सुनरी की प्यास सुनरी, गांवक लोग बनरा बनरी, मतलब या तो हम सुंदर या तुम सुंदर। ये गर्व से बोलेंगे मेरा नाम टीपू है,
आप लोग क्या समझते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, मेरा नाम टीपू है। टीपू कहेंगे किसको एड्रेस कर रहे हैं, ये कहेंगे मंदिर बेकार है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वर्ग खुश हो, जबकि उस वर्ग को भी पसंद नहीं आता कि ये काम कर रहे हैं। ये करके ये कहते हैं कि नक्शा बेकार है। समाजवादी पार्टी का तो नक्शा बिगड़ ही रहा है, 2014 में बिगड़ा, 17 में बिगड़ा, 22 में बिगड़ा, अब नक्शा बिगड़ते बिगड़ते विलुप्ति के जगह पे है। अब कांग्रेस की गोद में बैठे हुए ये लोग, ये तमाम लेफ्टिस्ट, ये लेफ्टिस्ट रेडिकल हो चुके हैं, ये लोग पागल हो गए, ये लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं भाई। पहले बात तो अजय आलोक जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि चुटकुला बढ़िया सुनाते हैं। इनके जो नेता है ना मोदी जी, वो भी रैलियों में सिर्फ चुटकुला सुना रहे हैं भाई साहब। ना महंगाई की बात, ना बेरोजगारी की बात, ना रोजगार की बात, किसी की बात नहीं। आप तालियां बजाओ, चुटकुला भरपूर मिलेगा, ये इनका घोषणा पत्र है। क्योंकि ये घोषणा पत्र पे तो हमारे चर्चा कर रहे हैं, तो इनका घोषणा पत्र चुटकुला घोषणा पत्र है जिस पर ये बोल रहे हैं। और रही बात राम मंदिर की, अच्छा ठीक है राम मंदिर, लेकिन आप उसका भी जिक्र करो कि अखिलेश यादव जी एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जब जाते हैं मंदिर, तो इनके कार्यकर्ता उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या राम मंदिर में और हर जगह वो नहीं जा सकते? क्या मंदिर वो नहीं जा सकते? नहीं, पर ये जो कांग्रेस पर और इंडिया अलायंस पर राम बैरी होने का आरोप लग रहा है, राम बैरी होने का आरोप लग रहा है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम तो ये तक आए कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो राहुल गांधी ने एक सुपर कमीशन ऑलरेडी तैयार कर रखा है, राम मंदिर का फैसला आप लोग पलट देंगे। अमित जी आपका चैनल, ये राधिका जी आपके सामने, इनको 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 पार्टी ने हटा दिया राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। अमित जी सही, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है और आप बहुत अच्छा शो करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी और राधिका जी से भी पूछना चाहूंगी कि दर्जनों नेता जो राम मंदिर गए उनको टिकट कैसे मिला? कांग्रेस ने टिकट उन्हें कैसे दिया? अगर कांग्रेस इतनी ही विरोधी है राम की तो उनको टिकट क्यों दी जो राम मंदिर गए थे? इसका मतलब भाई आपकी समस्या पर्सनल हो सकती है, एक महिला के नाते मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे कि राम मंदिर की वजह से तो मैं आपके साथ नहीं खड़ी रहूंगी। तो बता दूं कि सरयू नदी में डुबकी मारने से आप रामलला के दर्शन नहीं कराते हैं। रामलला की मूर्ति स्थापित होने से पहले वहां पे दर्शन करके आना हनुमानगढ़ी मंदिर में, वो रामलला के दर्शन नहीं है। तो ये जो कांग्रेस के लोगों ने एक ड्रामा करने की कोशिश करी थी, भागे भागे गए थे कि देखिए हम रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं, तो वो नहीं है। देश को भ्रमित करने की कोशिश मत करिए, उन्होंने कोई दर्शन नहीं करे। दो जनों ने करे, ठीक है, आंख में आंख डालकर देखते हैं वो हाई कमांड को कांग्रेस की और किस तरीके से। लेकिन आपको प्रताड़ित करा गया क्योंकि आप रामलला के दर्शन करने के लिए बिल्कुल गई थी। अरे अमीश जी, मैंने तो अपने घर में जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखा था, उस सुंदरकांड के पाठ से इतना कष्ट हुआ। मैंने तो सुना था कि निशाचरों और जो भूत पसाच होते हैं उनको कष्ट होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कष्ट हुआ था उस सुंदरकांड के पाठ के बाद। और मुझे टीवी पे जाने से रोक दिया गया, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से रोक दिया गया, और लगातार हुआ। वो तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भूत पिशाच निकट से दूर भाग गए, आज मैं बच के राम भक्तों के बीच में आ गई हूँ, राम जी के परिवार के बीच में आ गई हूँ, क्योंकि भूत पिशाचों ने जिस तरीके से मेरे साथ जो किया, मुझे कमरे में बंद किया, मेरे को गाली गलौज करी, वो किसी राम भक्त या हिंदू भक्त या सनातन धर्म के संस्कार नहीं। बहुत गलत था वो तो, जिस तरह से कमरे को बंद करके तीन लोगों ने गाली गलौज करा, उसकी वायरल वीडियो सामने जब आई तो वाकई मतलब वो हृदय विदारक थी वो चीज। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी से, बहन जिसे भी आपने जो ये दुपट्टा पहना है जिसपे कमल का फूल है उस पर कितना बड़ा दाग है आपको मालूम है? प्रज्वल रेवन्ना 3000 से ज्यादा, मतलब इतने घटिया वीडियो महिलाओं के साथ जबरदस्ती वीडियो, और वो देश छोड़कर भाग गया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसके समर्थन में आप खड़ी हैं वोट मांगते हैं, कहते हैं प्रज्वल को जो वोट जाएगा उससे मैं यानी मोदी मजबूत होगा, एक बलात्कारी के लिए। ये जो मैंने गले में पहन रखा है ना, इसी ने मेरी लाज बचाई है। ना आप बोली, ना ये बोले, ना कांग्रेस पार्टी बोली जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया तीन आदमियों द्वारा। क्या मंशा थी उन लोगों की जब मुझे गली में पूछ लिया महिलाओं की? आपको शर्म आनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई से कोई सयाना नहीं बनता, ये आज आपने साबित कर दिया। पढ़ाई लिखाई से किसी में अकल नहीं आती, आज आपने सामना कर दिया। एक महिला होने के नाते हर चीज छोड़ के आपको बोलना चाहिए था, मेरी पार्टी को बोलना चाहिए था। वो प्रियंका गांधी जी जो बोलती है मेरे घर के द्वार खुले रहते हैं, वो चुप है। उनका तरीका मुझे न्याय देने का था, ट्विटर पे अनफॉलो करना, ये है न्याय देने का तरीका कांग्रेस पार्टी का। और इसी ने मेरी लाज बताई, इसी ने क्या हुआ था अपने जवाब में राधिका बहन ने ये बता दिया है कि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको अदालतों पे भरोसा नहीं है, आपको कार्यवाही पे भरोसा नहीं है। आपके साथ अन्याय हुआ था तो पार्टी बदलने से आपको न्याय कैसे मिल गया? अच्छा, आपको पुलिस का ज्ञान जाना चाहिए था ना। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मणिपुर में जिन महिलाओं को ऐसे घुमाया गया, प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले गए नहीं। आप समझती है कि आपको उस पार्टी में न्याय मिलेगा? आप समझती है कि जो लड़कियां दो कानपुर में लटक गई पेड़ से आपको उस पार्टी में न्याय मिलेगा? बताइए आप खुद अपने जवाब में बात कर रही है ना।
मैं आपके साथ हूँ, पूरी सिंपैथी है, लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे सिंपैथी की किसी की जरूरत नहीं है तो आप झूठ बोल रही हैं। ठीक है, ओके ओके राधिका जी, एक वो कह रहे हैं उनको भी सिंपैथी महिला होके ये बोलना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप पता नहीं सुबह अपने आप को शीशे में कैसे देखेंगे, आप महिला के नाम पे धिक्कार है अगर बोल रही है एक महिला अपने पे बीटीपी पे धिक्कार झूठ बोल रही है। छोड़िए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये है इंडिया गठबंधन की असलियत, उस इंडिया गठबंधन की असलियत जिसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पे चलिए चिल्ला लीजिए, पर ये विषय नहीं गई, ये चिल्ला लीजिए, विषय चिल्लाने वाला नहीं है मुझे लगता है। देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत सशक्तिकरण करेंगे, महिला शक्ति पे बात करती है, लेकिन वही ऐसी जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ इस तरह के होते हैं, जो राधिका जी हैं कांग्रेस की ही है उनके साथ इस तरह का होता है, तो कहाँ से मतलब जनता कहाँ से विश्वास जताए आप लोगों पे? जी जी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कंचन जी ने बोला कि पार्टी बदलने से राधिका जी को जस्टिस कैसे मिल जाएगी, आप बताइए खुदा ना खास्ता अगर आपकी पार्टी में आपके साथ ऐसा होता क्या आप उस पार्टी में रह पाती, क्या आप उस पार्टी में रह पाती? कंचना जी पहली बात राधिका जी ने बोला है कि राम मंदिर की वजह से, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं राम शिव दुर्गा जिसकी भी, अरे भाई खुदा न खास्ता यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है राम मंदिर और चुनाव ये सब बाद में आएंगे, सबसे पहले सेफ्टी की बात है, और आप ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि वो पार्टी बदल के जस्टिस ले लेंगी, आप प्लीज ऐसे नेशनल टीवी में मत बोलिए। मैं तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए है, और कंचना यादव को आप अच्छे से जानते हो, अभी हाल बीजेपी में है, इसके ऊपर दुपट्टे वाला सवाल जो उठाया गया था, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ हर अभी भी राम मंदिर वाला मुद्दा गया नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि ये जो राम मंदिर बना है ना, अब हम बीजेपी को अगले 20 साल तक हम हटा ही नहीं सकते, ताकत ही नहीं है किसी में, ये तो पक्का उन वो लोग खुद मानते हैं, क्योंकि हमने जो ये बोलते हैं ना उसी में हमें दिख जाता है, उन वो लोग खुद एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अब हमारी कोई ताकत नहीं। हाँ जी, कुछ दिनों से केजरीवाल साहब अभी बेल पे रिहा है, वो भी रैलियां वगैरह कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी बहुत सारी कमेंट आ रही है, कोई वीडियो आती है तो हम आपके समक्ष जरूर लाएंगे, लेकिन ये डिबेट वीडियो थे राम मंदिर के बारे में, भाई अब मैं तो यही बोलूँगा सरकारी ये जो भी पॉलिटिशियन है उनको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अब कहीं कुछ भी हो जाए कहीं पे भी राम मंदिर का मुद्दा मत लाओ, ठीक है, जनता को जो चाहिए था उसी लिए उसको मोदी साहब को वहां पे पीएम के लिए बिठाया था, हमें जरूरत थी राम मंदिर की, तो भाई इसीलिए तो हमने उसको वोट दिया था ना, ये लोग जनता का कहना है, मेरा नहीं, ये मेरे को मत बोलो, जनता का यही कहना है, हमें जो चीज चाहिए थी वो हमको मिली है तो हम उसको क्यों ना वोट दें। राम मंदिर के बारे में कितने सालों से संघर्ष चलता आ रहा था, कितने घर करके कितने सारे घर उजड़ गए उसके राम मंदिर के लिए, ठीक है, जैसे कि अभी यादव की वहाँ पे सरकार पहले उस समय थी तो गोलियों से उड़ा दिया गया लोगों को जो राम मंदिर का लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको, ठीक है, अब उनके घर में शांति आ गई, उसका जो सपना था वो सबका पूरा हुआ है, तो भाई वोट तो उन्हीं को ही मिलेगा, ये तो पक्का ही है, अब देखते हैं 4 जून को रिजल्ट है, फिर कितने के मुंह बंद होते वो समय पता चलेगा, बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।